देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे कुछ अदर कंट्री के लोग आए हुए टूरिस्ट हैं ये लोग, और कुशीनगर घूमने आए थे गौतम बुद्ध भगवान के दरबार में। कैसा लग रहा है आप सभी को? डू लाइक दिस प्लेस? डू यू लाइक दिस प्लेस? दे डोंट नो इंग्लिश। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस, जो कि वहाँ पे कुशीनगर गौतम बुद्ध पार्क है, कुशीनगर गोल्डन टेम्पल है, नौका विहार भी है, तमाम सारी चीजों को दिखाएंगे। और मेरे साथ मेरी भांजी भी जा रही है, मेरी बहन भी जा रही है। तो चलो फिलहाल अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, हम लोग खा पी के रेडी हो चुके हैं और निकल भी रहे हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस पहुँच करके आपको मिलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस। मैं इस ब्लॉग को शुरू कर रहा हूं मेन गेट से, जब बिल्कुल आखिरी छोर की तरफ आ जाएंगे जहाँ स्तूप जो रहेगा ये, वहां पे हम लोग आए हुए हैं और यहां से शुरू करते हुए चलेंगे बिल्कुल मेन गेट तक। तो फिलहाल इधर दिखाऊँ आप सभी को, तो काफी सारे स्कूल के बच्चे और अन्य कंट्री अन्य स्टेट के भी लोग आए हुए हैं। और ये स्तूप है काफी बड़ा सा, रामा भार स्तूप बोलते हैं इसको। बताया जाता है कि ये खुदाई के उपरांत में ही ये मिला हुआ था, काफी वर्षों पुराना ये स्तूप है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसी के अंदर गौतम बुद्ध भगवान की जो डेड बॉडी है वो है। इसके अलावा गौतम बुद्ध भगवान को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। फिलहाल मैं आप सभी को गोल्डन टेम्पल पे भी लेकर चलूंगा, तो विजिट करते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं और आपको इसका सिनेमेटिक भी दिखाते हैं। अभी आपने जो यहाँ पे लोगों को देखा किस तरीके से ये लोग प्रे करते हुए डिसिप्लिन में बिल्कुल लाइन से होते हुए इस पूरे स्तूप को परिक्रमा कर रहे हैं। और ये लोग बेसिकली नासिक से आए हुए हैं मुंबई से, इनके पहनावे से और इनसे मैंने बात भी किया तो लोग बता रहे हैं कि हम लोग नासिक से आए हैं। फाइनली रामाभार स्तूप के जस्ट बगल में कुशीनगर का एक नौका विहार बना हुआ है, तो वहीं पे आए हुए हैं। पीछे काफी खूबसूरत सा आई लव कुशीनगर का लोगो लगा हुआ है, उसके बगल में एक नदी निकल रही है, उसी में बोटिंग होती है, तो वो चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जो है नौका विहार रामाभार स्तूप घूमते हुए और फाइनली आ चुके हैं हम लोग सीधे गोल्डन टेम्पल। पीछे देख सकते हैं काफी अच्छा सा गोल्डन टेम्पल है, तो चलिए इस गोल्डन टेम्पल के अंदर आपको सैर करवाते हैं, दिखाते हैं क्या है अंदर। फिलहाल अभी अंदर हूँ गोल्डन टेम्पल के, और गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ ऐसे एक राउंड सर्कल बना हुआ है जिसमें हमें घूमना है। इधर मैं आपको दिखाऊं तो काफी सारे गौतम बुद्ध भगवान के शरणार्थी है, और ये देखिए उनके सारे शरणार्थी ऐसे बने हुए हैं लाइन से। अभी हम लोग गोल्डन टेम्पल घूम करके आ चुके हैं और अभी हम लोग गोल्डन टेम्पल के अगले मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इसमें गौतम बुद्ध भगवान की 1416 फुट की प्रतिमा लेटी हुई है, वो दिखाएंगे, और पार्क भी इधर वो भी आपको दिखाएंगे। जिसमें गौतम बुद्ध भगवान की 16 फीट की स्मृति थी, उसके अंदर से हम लोग घूम के आ चुके हैं। हालांकि उसके अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, फिर भी हम लोगों ने एनी हाउ छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाया। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो फोटो ले रहे हैं, देख सकते हैं आगे हैं एक मैडम जो फोटो ले रही है, अगर हम लोग सकते हैं कितने सारे यहाँ पे कुछ अदर कंट्री के लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं ये लोग, और कुशीनगर घूमने आए थे गौतम बुद्ध भगवान के दरबार में। सो कैसा लग रहा है आप सभी को? Do you like this place? Do you like this place? They don't know English. इनको इंग्लिश नहीं आती है और ये दूसरे कंट्री से आए, सिर्फ अपनी कंट्री की लैंग्वेज को जानते हैं लोग। हमें गर्व है कि हम कुशीनगर से हैं और बहुत अलग अलग कंट्री के लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग सारे जगह से घूम करके एक लास्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। पीछे काफी खूबसूरत सा मंदिर है और यही देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा एक मंदिर है, यही बचा हुआ है लास्ट घूमने का हम लोग का। इसके बाद हम लोग घर जाएंगे कुछ खा पी करके, तो फिलहाल इसको भी एक्सप्लोर करा देते हैं आप सभी को। ये देख
देखिए आप लोग कितना अच्छा यहाँ पे ड्रैगन बना हुआ है और उसके मुंह में कुछ तो है लाल कलर का गोला सा। ऊपर भी चलेंगे, पहले अंदर चलते हैं, दिखाते हैं अंदर कैसा मंदिर। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर और ऊपर से आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे, साथ साथ ऊपर भी काफी सुंदर सा साथ लाफिंग बुद्धा है, तुम सब चीजों को भी आपको दिखाते हैं। ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू बाहर का दिखता है और इधर फ्रंट में लाफिंग बुद्धा। तो गाइस फाइनली हम लोग ने सारा कुशनगर को घूम लिया है, अब मुझे तमकुहीराज जाना है मुझे, तो फिलहाल वहाँ चलते हैं क्योंकि हमको वहाँ पे बहुत अर्जेंट काम है, तो वहाँ पे चल के आप सभी को बताएंगे क्या काम है। फाइनली नॉन स्टॉप एक घंटा राइड करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं उसी हॉस्पिटल पे जहां पे मुझे आना था, और ये हॉस्पिटल से देख सकते हैं, ये मेरे छोटे वाले भाई साहब का यहां पे जॉब लगा है, राज हेल्थ केयर सोसाइटी, आई केयर फॉर ऑल, राज आई हॉस्पिटल, जो कि अभी इसीता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज संडे है और आज बंद है फिलहाल में, बाकी कुछ स्टाफ के लोग यहां पे दिखते रहे मुझे। चलो बातचीत करते हैं, सारा जानकारी लेकर के फिर घर चलते।